है लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद भी जनपद में नहीं थम रहा नकली शराब बनाने का कारोबार। गौरतलब तो ये है कि अंग्रेजी शराब की दुकान का सेल्समैन ही निकला शराब बनाने का मास्टरमाइंड। दुकान से भारी मात्रा में शराब बनाने के केमिकल और उपकरण भी बरामद किए गए। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र का है, जहां कस्बे में अंग्रेजी शराब का सेल्समैन नकली शराब बनाने का कारोबार काफ़ी समय से कर रहा था। आरोपी जय सवाल पुत्र शिव प्रकाश निवासी सैदपुर थाना अचलगंज जिला उन्नाव व दिनेश पुत्र रामस्वरूप निवासी अहमदपुर थाना करहल मैनपुरी का निवासी है, जो काफ़ी समय से अंग्रेजी शराब बनाने का कारोबार कर रहे थे। मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी जेडी सिंह ने पुलिस बल की सहायता से सरकारी ठेके के सतीश गुप्ता पुत्र सोनेलाल निवासी सिरसागंज करहल मैनपुरी के सहयोग से नकली शराब बेचने का कारोबार करते थे। दुकान में भारी मात्रा में शराब बनाने के केमिकल और उपकरण भी बरामद हुए हैं। दूसरा मामला जनपद मैनपुरी के कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस की सूचना पर 25 पेटी गैर प्रांत की शराब को पकड़ा है। अपर पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश सिंह ने बताया है कि लोकसभा का चुनाव को देखते हुए पुलिस लगातार छापामार कार्यवाही कर रही है। इंस्पेक्टर कोतवाली जसवीर सिंह ने मुखबिर की सूचना पर शराब सहित 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार और भेजा जेल। आप ये बताइए कि आप ये दारू का नकली दारू का कारोबार कितने समय से कर रहे थे? जी, आपके साथ कौन कौन लोग हैं? क्या क्या नाम है? जी, आशु और दिनेश। दिनेश, किस तरीके से ये कारोबार को करते थे? खोल के पानी मिलाते थे।